कि परिवारवाद और राष्ट्रवाद गौरव भाटिया जी मैं आपसे जाना चाहूंगा राजीव रंजन जी ने गुंजाइश छोड़ दी उन्होंने कहा कि परिवारवाद के खिलाफ है नीतीश कुमार जी तो ठीक है एलजेपी तो परिवारवादी है ही बीजेपी में बहुत बड़े परिवार परिवार के लोग हैं पारिवारिक परंपराओं पर, से चल के आने वाले हैं और लालू यादव जी की पार्टी ही परिवार है पर, पार्टी ही परिवार है और परिवार पार्टी है तो आप राजीव रंजन जी ये टिप्पणी जो है नीतीश कुमार जी को समर्पित है राजीव जी ने थोड़ी सी गुंजाइश छोड़ दी गौरव भाटिया जी दीपक जी दो और बड़ी बातें मैं आपके चैनल पे कहता हूं देखिए संदर्भ क्या था परिवारवाद और घमंडिया की बात हो रही है इंडिया अलायंस की तो एक बात जानिए लालू प्रसाद यादव पार्टी ही परिवार है परिवार ही पार्टी है कांग्रेस पार्टी ही परिवार है परिवार ही पार्टी है गांधी परिवार सपा परिवार ही पार्टी है पार्टी ही परिवार है यादव परिवार और आप देखिए खासकर आर और समाजवादी पार्टी के लिए तो इनकी पार्टी का अध्यक्ष कभी अपने परिवार के बाहर का व्यक्ति बना ही नहीं है मतलब जो आम जनता है उसको तो ये लोग मौका ही नहीं देना चाहते अब नीतीश कुमार जी हम इतना तो कह ही सकते हैं कम से कम उनके परिवार से कोई व्यक्ति आगे नहीं बढ़ाया उन्होंने तो असहज भी होंगे धम भी उनका घुटेगा और पूरा का पूरा घमंडिया वेंटिलेटर पे आ गया है और दीपक जी दिक्कत क्या है वेंटिलेटर एक और बीमार अनेक ये मैं क्यों कहता हूं आप देखिए कल से क्या हो रहा है जब भव्य राम मंदिर के हमने देखा प्राण प्रतिष्ठा हुई मूर्ति की भगवान राम की उसके बाद क्या हुआ ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में कह दिया मैं अकेले ही लड़ूंगी आज बयान आ रहा था और टीएमसी के नेता ने कहा इसके लिए अधीर रंजन चौधरी जिम्मेदार है उधर पंजाब में देखिए क्या हुआ भगवंत मान ने कहा हम भी अकेले लड़ेंगे और अब जो है क्या हुआ अब बिहार में देख रहे नीतीश जी कह रहे हैं कि भाई परिवारवाद को आगे नहीं बढ़ाना चाहिए कर्पूरी ठाकुर जी जो मेरे आदर्श हैं उनकी ये सोच है ठीक ये ठीक दिखाता है कि विचारधारा का तालमेल नहीं है विचारधारा का तालमेल नहीं है विचारधारा का तालमेल है नहीं है राजीव रंजन जी से समझूंगा लेकिन उससे पहले राम काज और गरीब काज राजीव जी इंप्रेस तो हुए नीतीश कुमार प्रधानमंत्री जी से राम से भी और गरीब कास्ट से भी देखिए नीतीश कुमार जी तो काम के लिए जाने ही जाते हैं इसलिए अगर अच्छा काम कहीं भी होगा तो उसका वो समर्थन करेंगे नीतीश कुमार जी की पहचान एक काम करने वाले मुख्यमंत्री के तौर पर है और इसीलिए बिहार की जनता उन्हें पसंद करती है और बार बार अपना आशीर्वाद देती है मैं परिवारवाद को लेकर एक बात कहूंगा देखिए अलायसेस दो है इस देश में जिनके बीच 2024 का महा का महामुकाबला है किस अलायंस को जनता अपना आशीर्वाद देगी ये आने वाले जो ये आ, मैं कह सकता हूं पचहत्तर अस्सी दिन है ये बेहद अहम होंगे अच्छी रणनीति समन्वय जहां तक परिवारवाद की पृष्ठभूमि से जुड़े दलों का सवाल है तो भारतीय जनता पार्टी भी इस बात को नकार नहीं सकती है कि बड़ी संख्या में परिवारवादी पार्टियां उनके अलायंस में है और अलायंसेज बनते हैं तो कई बार अलायंसेज असहमतियों के बाद भी वैचारिक कई प्रश्नों पर मतभेद हो सकते हैं लेकिन इसके बाद भी अलायंसेज बनते हैं इस बात को बीजेपी को भी स्वीकार करना चाहिए और अब कर लेना चाहिए इसलिए प्रधानमंत्री जी ने खुद तो आपका और परिवारवादी पार्टी, पार्टी लालू यादव जी का नेचुरल अलायंस है राजीव रंजन जी नेचुरल अलायंस है नहीं मैं एक बार वाजपेयी जी के पास जाऊंगा गौरव भाई उसके बाद मैं आपके पास आऊंगा क्योंकि उनकी नी, पार्टी पर भी परिवारवादी होने का आरोप है कई असहमतियों के कई असहमतियों के बाद भी अलायंस होते हैं ये सवाल तो आप गौरव जी से भी पूछ लीजिए कि क्या उनका नेचुरल अलायंस है एलजेपी के साथ क्या उनका नेचुरल अलायंस है राजभर के साथ उनके अलायसेज में पहले परिवारवादी पार्टियां जो जिनको ये परिवारवादी कहते हैं जो एनडीए की स्थापना हुई है उसमें चार दलों में जनता दल यूनाइटेड को छोड़कर जो अन्य दो दल अब इनके साथ नहीं है वो चाहे शिवसेना हो या इसलिए देखिए ये अकाली दल शिवसेना मैं केवल इसलिए कहता हूं कि ये बार बार रटे रटाए जो कुछ प्रतीकात्मक वाक्यों के जरिए आप लंबे समय तक आप इस विमर्श को आगे नहीं जारी रख सकते हैं आपको ये स्वीकार करना होगा कि हमें भी शासन सत्ता में आने के लिए व्यापक समझौते करने पड़े हैं और तब जाकर के एक जो प्रभा मंडल का ये विस्तार हुआ है ये व्यापक समझौते क्या ये व्यापक समझौते टूटेंगे वाजपेयी जी पहला सवाल आपसे ही है, और दूसरा आपका तो परिवारवादी है, परिवारवाद है, चाचा, भतीजा बेटा देखिए ऐसा है दीपक जी ये मामला बड़ा संजीदा मामला होता है परिवारवाद का आरोप लगाया जाता है बिल्कुल ठीक है हमारा परिवार है हमारे फादर रामविलास पासवान जी जो हैं हाजीपुर के एक छोटे गांव से आए थे चल के अगर उन्होंने अपनी मेहनत से एक पॉलिटिकल पार्टी 2000 में रजिस्टर करके बना ली तो उसमें क्या ऐतराज हो गया ये तो कानूनी हक है ना और पिताजी की मृत्यु के बाद अगर चिराग बाबू बिहार में गांव गांव जाके मेहनत कर रहे हैं और जीत के आते हैं चुनाव तो इसमें क्या दिक्कत है और जहां तक अगर कानून बन जाएगा कि परिवारवाद के लोग चुनाव नहीं लड़ेंगे तो हम भी चुनाव नहीं लड़ेंगे ये बहस चल रही है और इस बहस का नतीजा भी निकलेगा कि कौन सा परिवारवाद ठीक है कौन सा परिवारवाद ठीक नहीं है पर मेरा मानना यह है कि जो परिवार भ्रष्टाचार में लिप्त है वो राजनीति के लिए कैंसर की तरह है लेकिन अगर कोई साफ परिवार है तो उस पर आरोप लगाना आपका सबसे गलत होगा क्योंकि वो हमारा फंडामेंटल राइट भी है हम वकील हैं अगर हमारा बेटा वकालत करता है तो कौन रोक लेगा गौरव भटिया वकील है इनके फादर अगर पॉलिटिक्स में थे और ये भी ये भी पॉलिटिक्स में तो इसमें कहाँ बुराई है तो वो हमको जो बारीकी लाइन है उसके बारे में भी सोचना पड़ेगा अब आइए बिहार पे क्या बात करें बिहार की या क्या बात करें नीतीश बाबू की हम हमको व्यक्तिगत हमारा उनसे कोई दुश्मनी नहीं है नीतीश बाबू से हमारा सिर्फ सरोकार इस बात से है कि अट्ठारह साल से नीतीश बाबू हैं पंद्रह साल से लालू प्रसाद यादव से बिहार कहाँ पहुंचाया आपने अभी जो इन्होंने जातिगत सर्वे करवाया है उसमें चौरानवे लाख परिवार गरीबी रेखा में है चौरानवे इंटू फाइव पर मेंबर यूनिट कर लीजिए कितने बन गए साढ़े चार करोड़ साढ़े चार करोड़ रुपए तीस साल के शासन के बाद भी जीरो पे खरीदे हैं और उसको दो लाख रुपए देने की बात करते हैं एक लाख अट्ठारह हजार करोड़ रुपया बनता है सिर्फ अलॉट कितने करने की अलोकेट करने की बात की ढाई करोड़ क्यों गुमराह कर रहे हैं जनता को आज भी आप खुद कह रहे हो कि बीमारी उड़ा है आज भी आप ये डिमांड कर रहे हो कि स्पेशल स्टेटस दीजिए आज भी जंगल राज पार्ट टू चल रहा है और आप भाषण दीजिए चले जा रहे मैं कुछ कहा जाओगे तो कहा नहीं जाओगे वी आर नॉट कंसर्न बिहार की जनता को आपने क्या दिया तीस साल के शासन ठीक है